Assalamualaikum viewers, welcome to the kitchen of Turkey.pk. मुझे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है फ्राइड चिकन की, क्रिस्पी फ्राइड चिकन. और आप इसको रोस्ट भी कह सकते हैं. इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं जल्दी विदाउट वेस्टिंग टाइम. इसके इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे पास, मैंने यहाँ पे 7 लेग पीसेस लिए हैं और उनको इस तरह से कट लगा लिए. ठीक है, कट लगाने से क्या होगा कि जो भी हम मसाला बनाएंगे जिससे इसको मैरिनेट करेंगे वो क्या होगा, मसाला अंदर तक जाएगा गोश्त में. ठीक है, और फिर इससे ज़्यादा टेस्ट में फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा. अगर आप नहीं लगाते तो उस तरह से मसाला अंदर नहीं जा पाता गोश्त के. उसके अलावा जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसके अंदर रेड चिली पाउडर जो है वो मिक्स हुआ हुआ है, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर जो होता है हम खाने में यूज़ करते हैं वो है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है. ठीक है, उसके अलावा थोड़ी सी 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, ये है क्रश किया हुआ ज़ीरा. ठीक है, ज़ीरा जो होता है साबुत ज़ीरा, उसको आप हाथों से भी क्रश कर लें या थोड़ा सा फूट लें तो वो है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है. उसके अलावा 2 टीस्पून जो मैंने लिया है ये पिसा हुआ धनिया, और ये है 1 टीस्पून नमक. इसके अलावा इसके अंदर जाएगा 3 टेबलस्पून दही, या आधा प्याली या आधा कप भी आप कह सकते हैं दही के, और 3 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर है. ठीक है, ये जो है बेसिकली इसको क्रिस्पी करेगा कॉर्नफ्लावर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहें तो मसालों में कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा ये है अंडा, जो एक जाएगा इसके अंदर, वो क्या करेगा मसाला जो है, अदरवाइज अगर आप एग नहीं डालते तो क्या होता है मसाला अलग रह जाता है, वो उसके साथ स्टिक नहीं करता गोश्त के साथ, इसलिए ये एक अंडा हम इसके अंदर डालेंगे. अब इसका हम बैटर बना लेते हैं जिसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट करना है. एक बोल में आप लेग पीसेस ले लें. लेग पीसेस मतलब एक अलग से है कि इसका अलग टेस्ट होता है, अगर फ्राई करो तो अच्छा बनता है. उसके अलावा आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं चिकन का, इट्स अप टू यू. अब मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे मसाले, दही, ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हर तरफ इसका मसाला जो है चिकन को लगा देना. अब इसके अंदर जो एक एग लिया था उसको मैंने बीट कर लिया है और वो इसके अंदर डाल दिया. इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप. इसके बाद आप लोगों ने कॉर्नफ्लावर डाल देना. आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है. बहरहाल मसाला अलग ही जाता है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आप स्पून से भी करना चाहें तो. ठीक है, चिकन को मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मैरिनेट कर दिया है. अब आप पे, ये आप पे है कि आप लोगों ने कब बनाना होता है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं मैरिनेशन को उतना ज़्यादा दें. मैं तो प्रेफर करूँगी अगर आप ओवरनाइट रखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप 1-2 घंटे रख के फिर भी फ्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं अब इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 3-4 घंटे के लिए और फिर हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलेंगे. व्यूअर्स, तो इसको मैंने मैरिनेट करके तकरीबन 5 घंटे के लिए रख दिया था. अब हम इसको करते हैं फ्राई. ऑयल जो है मैंने कढ़ाई में ले लिया है. कढ़ाई में क्या होता है कि अच्छे से फ्राई हो जाता है जो भी आप करें चिकन या फिर कोई भी और चीज़ फ्राई के लिए, तो मैंने इसलिए कढ़ाई में ले लिया ऑयल. और आपको मैंने इसको चेक कर लेना कि कितना गर्म है. स्टार्टिंग में हम लोगों ने ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, ये ऊपर आके मतलब कि हमारा तेल बिल्कुल सही से गर्म है. ठीक है, इस टेम्परेचर के ऑयल के हम लोगों ने जो है चिकन फ्राई कर दी. मैं डालती हूँ चाल से डालें, जब डालने लगे तब थोड़ी सी मुझे आग हल्की कर दें, लेकिन पहले आप इसको
चेंज करते हैं क्योंकि चिकन डालने की वजह से क्या होगा, हमारे ऑयल का जो टेम्परेचर है वो लो हो गया होगा, इसलिए अब आपने आग जो है वो मीडियम रखना है। पहले आप लोगों ने इसको 2 मिनट ऐसे ही रखने हैं ताकि उसका जो मसाला है वो उसके साथ ही स्टिक हो जाए, वरना क्या होगा वो उतरना शुरू हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको डिशॉक करूँगी। हम लोगों ने इसको 5 मिनट जो है 5 से 10 मिनट मीडियम और लो फ्लेम पर भी पका लिया ताकि अंदर का जो गोश्त है वो जल चुका हो। ओके व्यूअर्स, तो ये है हमारी डिश की फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। ठीक है, आप लोग घर पर बनाएं और इसको ट्राई करें, मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसी लगी। ये देखने में जितनी ज़्यादा डिलीशियस लगी है उससे ज़्यादा खाने में होगी। इंशाल्लाह आप लोग बनाएं और बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।